3-4 दिन पहले सूर्यनगर में एक इमरजेंसी हो गई है, हमारी वहां पर जरूरत आ पड़ी है। कुछ दिनों बाद हम वापस जा रहे हैं, और जाने से पहले कुछ चीजें हैं वो आपको देना चाहते हैं। और आंटी बुरा ना माने तो ये वॉशिंग मशीन आप रख लें। लाजो आंटी, ये कर्ची आपको पसंद आ गई थी ना? लीजा, रॉनी, हो सकता है घोटाला के साथ रेस्टोरेंट में ये पहला और आखिरी लंच होएगा। आज उनको अपना सरनेम जितना रोशन करने का है करने दो। हाँ, और अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग चलेगा चलेगा करके सब माफ कर देंगे। एक रुपए वापस कर। अरे हेलो हेलो, ए हेलो हेलो, बहुत भूख लगी है मुरली भाई, जल्दी हेलो हल। बहना भाभी, अरे पेट में कुतरे मिला रे कुतरे। ये 70% सेल तो इतनी भूख नहीं लगी है का बाबा? ना बा, मुझे बहुत भूख लगी है भाई। इस दुकान में 70% ऑफ। वाह, ये दुकान के 70% लोग ऑफ हो गए। चौकड़ी, 70% लोग मर नहीं गए, 70% डिस्काउंट है। वर्षा घोटाला भाई, हेलो हेलो। अरे बासु, हेलो हेलो। अरे मैग्नेट और किचन जैसी फालतू चीजें मिलती है। हाँ तो पड़ोसियों के बर्थडे पे गिफ्ट विफ्ट देने के काम आएगी ना। मेरा मतलब है घोटाला को रिटर्न गिफ्ट। अरे तो वॉशिंग मशीन मिली ना। जो बा भाई, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, स्टार्टर वाटर ऑर्डर कर रहा हूँ। ए बाबा, ए जलजीरा भी ऑर्डर करना। और हाँ, ए वेजिटेरियन वेजिटेरियन। जलजीरा वेजिटेरियन ही होता है। चकुड़ी, मैं स्टार्टर की बात कर रही हूँ। तो बराबर। आलो आलो आलो, दुकान में घुसते आलो जल्दी। ये रोनी और लीजा को गाड़ी पार्क करने में कितना टाइम। ये आलो घोटा लो, आलो। हेमंत का क्या? पापा। सर, मैंने वो एलियन फैमिली को अंदर जाते हुए देखा। फिर शुरू हो गई तुम? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन पांचों को अंदर जाते हुए देखा। नॉनसेंस, बस अब तक आई नहीं है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो लोग बहुत शातिर है, हमें झांसा देने के लिए बस में आने का नाटक कर रहे हैं, जबकि वो लोग आ चुके हैं। अगर झांसा देना होता तो कहीं और जाते ना, यहाँ क्यों आते? सर उनका गेम प्लान क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग आ चुके हैं। सर हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे पर यहाँ पर सर एजेंट क्यों है ना, वो नजर रखेगा। अब चलिए ना। ओके चल। ठीक है, तुम वहां ढूंढो, मैं आ देखता हूँ। चल चल।
जाने ना पाए। चलो जल्दी चलो। पापा उस दुकान में आई लव मुंबई की कितनी प्यारी टी शर्ट मिल रही है, हम 333 के लिए ले लेते हैं ना। नहीं बेटा, 333 के दो सर है ना, वो कौन से सर से पहनेंगे टी शर्ट। वैसे घर से मैं सारा सामान लेके आई हूँ, सिर्फ भाभी भाभी वाह वाह भाई दुकान है वहाँ पे, वो पक्का दही मिल जाएगी। चलिए अच्छा सुनो, आज कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हमें इस होटल में चार चांद लगाने हैं। चलो देख चकुड़े, लीजा के लिए टॉप एकदम हाई क्लास है। भाई साहब कितने का ये? 750। और पुतले के बगैर? चकुड़ी ये लोग पुतले के साथ नहीं बेच रहे। तो बराबर। और बेचते भी तो कोई पुतला क्यों खरीदेगा गुजराती बहुरानी? काका मुरली कपड़े सुखाने का कितना अच्छा स्थान बनेगा, ऐसे धुले हुए कपड़े पुतले को पहना दो। ओ भाई साहब देने का भाव बोलन। मैडम 2500 का सा, ये 70% वो देखो 70% ऑफ है, इसलिए 750 है। चल चल अबे 50 में दे दे। 50 मतलब 150? नहीं मैडम। अच्छा ना तेरा ना मेरा 350, इससे ज्यादा पैसे ही नहीं है मेरे पास। ठीक है। आपके पीछे ही था, आप ही के साथ साथ अंदर चला है। तुम या, तुम हमारे पीछे क्यों फूल? चलो यहां से चलो। वो रे जाओ जाओ। मैडम 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 आपने इन पांचों को कहीं देखा है क्या? अरे इन्हीं तो रिसीव करने आई थी मैं, पर वो तो शॉपिंग मॉल के अंदर गए ना। नहीं नहीं ये तो उतरते ही घूमने चले गए। सुना तुमने, तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैम आप उन्हें होटल पहुंचाने वाली थी ना, कहाँ की है बुकिंग्स? वो मैं उनको दिखाने वाली थी कि उनको कहाँ रहना है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको पैसे दे दूँ, वो अपने रहने की जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। पैसे बचाने के चक्कर में ना ये गवार लोग क्या क्या करते थे पता नहीं। चलो ये गवार यहाँ है। हाँ। क्या तुम्हें तो कोई गाँव में भी नहीं रखेगा। एक काम करो, तुम दोनों फैल जाओ और अगले 5 मिनट के अंदर मुझे उस फैमिली का सारा अता पता चाहिए, समझे? यस सर। जाओ। जब तक वो लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं तब तक हम हमारी तैयारियां करते हैं।
चलो हाँ रह गए मैन। अरे किधर था तुम इतना टाइम? अरे वो भावना भाभी सेल का पार्टिया देखा कि घुस गई अंदर। आपने कुछ नहीं खरीदा? लीजा हम लोग खाना खाने आए कि शॉपिंग करने? मुरली भाई लो आगे। अरे मुरली भाई हम क्या आपके मजदूर हैं? ये लो आपका ये कुर्ता चप्पल और लाजो के पैकेट और ये बाकी का सामान। हाँ आंटी भावना मैन आपने कुछ नहीं खरीदा? लिया लिया एक मिनट। हाँ लीजा तेरे लिए ये टॉप और रॉनी ये तेरे लिए आई लव मुंबई का टी शर्ट। वेलकम टू पावरे बंजारे। वेलकम आप लोग सनशाइन कॉलोनी से है ना? हाँ। आपका टेबल ये है। मुरलीधर ओझा के नाम से टेबल बुक किया है। अच्छा आप है ना मुरलीधर ओझा? नहीं ये नहीं है। मैं हूँ मुरलीधर ओझा राजस्थान की शान। अच्छा आप है? नहीं वो फोन पे बोला था ना वो फिल्म स्टार जैसे दिखते हैं एकदम हैंडसम तो मुझे लगा कि आप है मिस्टर ओझा। अरे होटल में आए कस्टमर से ऐसे बात करते हो? इसीलिए रेस्टोरेंट खाली है। सॉरी नहीं मतलब आप भी वैसे दिखते हैं फिल्म स्टार। देखा हाँ वो बाजू में खड़े रहते हैं रामू काका। एक मिनट लेकिन ये घोटाला किधर है मैन? हाँ घोटाला मतलब वो पांच जन ना वो मैचिंग कपड़े पहनने वाली फैमिली। हाँ। देखा इस झालर को घोटालों को पहचाना मारे को नहीं पहचाना? नहीं वो पहले आके प्राइवेट जगह के लिए पूछ रहे थे इसलिए वो प्राइवेट जगह इसलिए इसके लिए। पिछली बार वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाई थी जो लॉजिकली रॉन्ग था तो वो गलती हमने इस बार सुधार ली। इस बार मिक्सर में बनाई है लस्सी हमने। यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। ये लस्सी हमने आपके किचन में बनाई है लेकिन दही तो आपके घर का होगा ना? नहीं नहीं आपके रेस्टोरेंट के बाहर जो दुकान है वो दही हमने वहां से खरीदा है। हाँ तो फिर बाहर का ही हुआ ना। आपको प्रॉब्लम किससे है? बाहर के दही से या घर के दही से? नहीं बाहर के दही से ही है लेकिन कैसा है? अच्छा तो वसंत समोसे दे दे। हाँ समोसा नहीं यहाँ बाहर का खाना नहीं चलेगा अलाउड नहीं है। लेकिन ये समोसे हमने हमारे घर में बनाए हैं। है? आप ना हमें कंफ्यूज कर रहे कौन सी चीज अलाउड नहीं है घर की या बाहर की? मिस्टर घोटाला वर्षा इनके कहने का मतलब ये है कि होटल से बाहर का कोई भी खाना अंदर अलाउड नहीं है दुकान का हो या फिर घर का हो। अंडरस्टैंड? इसका मतलब हमने फिर से गड़बड़ कर दी। नहीं चले ओ मैनेजर भाई बिल में थोड़ा जोड़ लेना ना भाई। अरे लेकिन वो हम लोग चले जाएंगे। नहीं ठीक है वैसे भी होटल तो खाली जा रही है क्या बाबा? रामू काका टेबल सर्व कर लो। ओए शेरो जी। ओए अब तो पेट में चूहे हाथ पैर जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि भूख लगी है रोटी दे दो।
और जल्दी खिला वरना मैं फैंट्स हो जाऊंगा। ओए मोंटी। हाँ सही बोला कि नहीं फैंट्स? ओ परफेक्ट्स वीर जी परफेक्ट्स। ओए मोंटी। हाँ जी। माचिस देखी? नहीं। ओए होए। भौजी मैं यूं गया हूँ। हाँ पुत्र जा। ना बेबी ना। तू कब तक पूछती रहेगी? तू आराम कर, मैं पूछ लेता हूँ। और टोनी माचिस देखी तूने? टिट्टू भैया पूछने से क्या होगा, लेकर आनी चाहिए। मैं तुरंत लेके के आता हूँ। और माचिस नहीं मिली ना तो आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को। ओए सरपंच ओए मसूडी, उसके लिए भी तो माचिस लगेगी ना। हाँ काम करते हैं, तो दुनिया बाद में जलाना, पहले उस स्टोव जलाना। उतर बहुत भूख लगी, जा जा। नहीं तो चूल्हे के सीने की जलन से जलाया तूने क्या? अरे बेबे को अपना ही स्टोव जलाना है, समझा क्या बेबे? ओए टोनी आजा आजा, मिल गई माचिस। हाँ हाँ आजा आजा बैठ। ये क्या कर रही हो है? चलो बुझाओ स्टोव। वो तेरी क्यों गैस चूल्हा लाके दे रहा है तू मुझे? ओ एक एक मिनट, क्या बात हुई वॉचमैन जी? ओ भाई साहब वॉचमैन नहीं पुलिस हवलदार हूँ, समझे क्या? और ये पब्लिक गार्डन है, यहाँ स्टोव जलाना मना है। अच्छा मैं आ इधर तो आ, और ठेले वाले ने तो जलाया है बहन जी, वो उसका धंधा है। अच्छा बिना लाइसेंसेस के? दिखा मुझे सरकारी पार्टियां दिखा। तू क्या समझता है ओए? गांव से आए तो गवारे हम? ए बहन जी तमीज से बात करो। हाँ तमीज की तो क्या? एक मिनट एक मिनट। ना बेबे ना, तू कब तक धमकाती रहेगी? अब तू आराम कर, मैं धमका देता हूँ। ओए ना ओए, मैंने भी कोई चूड़िया नहीं पहन रखी। मुझसे बात कर, भागता है तू? मैं कहाँ भागा, मैं तो खड़ा हूँ। हाँ हाँ तू भाग ताकि मैं बोल सकूँ। गिद्धर की मौत आती है तो एक मिनट। हाँ कुत्ते भी शेर बन जाते। ओए पसूड़ी तू रहन दे ना, तेरी कहावत है। एक मिनट इधर इधर। ओलदार जी क्या है कि हम नए आए हैं आपके शहर में, हमें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, शायद वो गलती होगी हमसे, माफ कर दीजिए। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप भी जाए, जाइए आप जाइए। ऊपर जा रहे हैं हम लोग। हम लोग किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। आज तू खाना पकाई मत, आज तू छुट्टी ले ले, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ए रोटी ऐसे तोड़ के, ऐसे दाल में डुबो के, ऐसे आ आ शाबाश। ओए होए। अगर आज शाम तक उनका पता नहीं चला तो तुम्हारी जिंदगी और नौकरी दोनों खतरे में है। और सर? और तुम्हारी जिंदगी तो उनका अता पता मिला तो भी खतरे में है, तुम यहां से हिले क्यों? सॉरी सर। सॉरी पता करो कि इन दिनों मुंबई में कौन से कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कहाँ टैलेंट कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, और ये एलियंस मुंबई में किस टैलेंट कॉन्टेस्ट का बहाना बनाकर मुंबई में अपना कौन सा जाल बिछाने वाले हैं, समझे? लेट्स गो। यस सर। ये देख पंजाबी होटल, चलो ए, इधर खाना खाते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।